हेलो फाइटर्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की द हिंदू वो कैप। और हमारा फर्स्ट वर्ड है अब्रेस्ट, जिसका मतलब होता है अप विद या फिर के साथ। इसके सिनोनिम्स हैं अप टू डेट विद या फिर इन टच विद, और एंटोनिम्स हैं आउट ऑफ टच विद। वर्ड रिपीट करते हैं, हमारा वर्ड है अब्रेस्ट, जिसका मतलब है अप विद या फिर के साथ। इसके सिनोनिम्स हैं अप टू डेट विद या फिर इन टच विद। एंटोनिम्स हैं आउट ऑफ टच विद। एग्जाम्पल, इन मॉडर्न टाइम्स वन हैज़ टू कीप अब्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स, मतलब इस मॉडर्न टाइम में हर एक को डेवलपमेंट के साथ बढ़ना होगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज राइफ। राइफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, और राइफ का हिंदी मतलब है फैला हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं जनरल या फिर कॉमन, एंटोनिम्स हैं स्कैर्स या फिर अननोन। वर्ड रिपीट करते हैं, और वर्ड है राइफ, जिसका मतलब है वाइड स्प्रेड या फिर फैला हुआ। सिनोनिम्स हैं जनरल या फिर कॉमन, एंटोनिम्स हैं स्कैर्स या फिर अननोन। एग्जांपल देखते हैं, मेल क्योनिज्म वाज राइफ इन मेडिसिन, मतलब जो मेल क्योनिज्म है वो मेडिसिन में फैला हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारा वर्ड है एग्जर्बेट। एग्जर्बेट का मतलब होता है एग्रावेट, और एग्जर्बेट का हिंदी मतलब है बदतर होना। इसके सिनोनिम्स हैं वर्सन या फिर इनफ्लेम, और एंटोनिम्स हैं काम। रिपीट करते हैं वर्ड को, वर्ड है हमारा एग्जर्बेट, जिसका मतलब होता है एग्रावेट या फिर बदतर होना। इसके सिनोनिम्स हैं वर्सन या फिर इनफ्लेम, और एंटोनिम्स हैं काम। एग्जांपल देखते हैं, देयर सिली अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व देयर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एग्जर्बेटेड मैटर्स, मतलब उनकी सिली अटेम्प्ट्स की मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व कर लेंगे, उसने मैटर को और बदतर कर दिया और वर्सन कर दिया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है राइटियसनेस। वर्ड को करते हैं रिपीट, फिर से देखते हैं वर्ड को, वर्ड है रेक्टिट्यूड, जिसका मतलब है राइटियसनेस, जिसका मतलब होता है निष्कपटता। इसके सिनोनिम्स हैं गुडनेस या फिर वर्च्यू, और एंटोनिम्स हैं इनफेमी। वर्ड को रिपीट करते हैं, वर्ड है हमारे पास रेक्टिट्यूड, जिसका मतलब है राइटियसनेस या फिर निष्कपटता। इसके सिनोनिम्स हैं गुडनेस या फिर वर्च्यू, और एंटोनिम्स हैं इनफेमी। एग्जांपल देखते हैं, द नेसेसिटी ऑफ मॉरल रेक्टिट्यूड वाज इटसेल्फ एन इंसेंटिव, मतलब जो मॉरल निष्कपटता या फिर गुडनेस की एक नेसेसिटी है वो खुद में ही एक इंसेंटिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारा वर्ड है अंडर लाई का मतलब होता है फंडामेंटल, और अंडर लाई का हिंदी मतलब है नींव रखना। इसके सिनोनिम्स हैं बेसिक या फिर बेसिल, और एंटोनिम है सबऑर्डिनेट। वर्ड करेंगे रिपीट, वर्ड हमारे पास अंडर लाई, जिसका मतलब होता है फंडामेंटल या फिर नींव रखना। इसके सिनोनिम्स हैं बेसिक या फिर बेसिल, और एंटोनिम्स हैं सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल देखते हैं, अब We decided the principles that underlie their methods, मतलब हम decide करेंगे उन principle को जो कि methods की नींव रखते हैं, अपने methods की नींव रखते हैं। Next word हमारे पास है dispense। Dispense का मतलब होता है wave, और dispense का हिंदी मतलब है छोड़ देना। इसके synonyms हैं omit या फिर drop, और antonyms हैं include। Word करते हैं repeat, और हमारा word है dispense, जिसका मतलब है wave, और डिस्पेंस का हिंदी मतलब है छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स हैं ओमिट या फिर ड्रॉप, और एंटोनिम है इंक्लूड। एग्जांपल देखते हैं, लेट्स डिस्पेंस विद द फॉर्मेलिटीज शैल वी, मतलब चलो जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको छोड़ दें, क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हमारे पास वर्ड है डिसमे। डिसमे का मतलब होता है अपॉल, और डिसमे का हिंदी मतलब है त्रस्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं हॉरिफाई, और या फिर शॉक,
और एंटोनिम्स हैं एनकरेज। वर्ड करेंगे रिपीट, हमारा वर्ड है डिसमे, इसका मतलब है अपैल या फिर त्रस्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं हॉरिफाई या फिर शॉक, और एंटोनिम्स हैं एनकरेज। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज डिसमेड बाय अ यू टर्न इन पॉलिसी, मतलब उसको त्रस्त कर दिया गया पॉलिसी में यू टर्न के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टिनेसिटी। टिनेसिटी का मतलब होता है पर्सिस्टेंस, और टिनेसिटी का हिंदी मतलब है दृढ़ता। इसके सिनोनिम्स हैं डिटर्मिनेशन या फिर परसेवरेंस, और परसेवरेंस नाम की मेरी लाइब्रेरी है गोमती नगर में, आप एक बार सर्च करेंगे परसेवरेंस लाइब्रेरी इन लखनऊ, आपको दिख जाएगा। तो इसके एंटोनिम्स हैं इररिजोल्यूटनेस। वर्ड करते हैं रिपीट, वर्ड है टेनासिटी जिसका मतलब है परसिस्टेंस या फिर दृढ़ता। इसके सिनोनिम्स हैं डिटर्मिनेशन या फिर परसेवरेंस, और एंटोनिम्स हैं इररिजोल्यूटनेस। एग्जाम्पल, शी फॉट विद टेनासिटी बॉर्न ऑफ एन्जाइटी, मतलब उसने दृढ़ता के साथ लड़ाई करी जो एन्जाइटी की वजह से बॉर्न हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हमारा वर्ड है इसमें सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है सेंसर, और सप्रेस का हिंदी मतलब है छिपाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिडैक्ट या फिर कंसील, और एंटोनिम्स हैं पब्लिसाइज। वर्ड करेंगे रिपीट, और हमारा वर्ड है सप्रेस जिसका मतलब है सेंसर या फिर छिपाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिडैक्ट या फिर कंसील, और एंटोनिम्स हैं पब्लिसाइज। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिपोर्ट हैड बीन सप्रेस्ड, मतलब जो रिपोर्ट है उसको छिपा लिया गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है इलेजन, और यूफोरिया का हिंदी मतलब है उत्साह। इसके सिनोनिम्स हैं हैप्पीनेस या फिर जॉय, और एंटोनिम्स हैं माइजरी। वर्ड रिपीट करते हैं, और हमारा वर्ड है यूफोरिया जिसका मतलब है इलेजन या फिर उत्साह। इसके सिनोनिम्स हैं हैप्पीनेस या फिर जॉय, और एंटोनिम्स हैं माइजरी। एग्जाम्पल, इन हिज यूफोरिया ही हैड बिकम कन्विंस्ड ही कुड डिफीट देम, मतलब वो उसके उत्साह में, उसके हैप्पीनेस में, वो इस बात से कन्विंस हो गया कि वो उनको हरा सकता है। तो ये थे मेरे आज के 10 वर्ड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।